तो आइए आप लोग जिनको देखना हो किशोर कुमार जी का घर, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्वर्ग किशोर गांगुली मार्ग। चलिए इसका अंदर देखिए, आइए देखिए किशोर कुमार बंगलो बौरी कुंड, आलिशान बंगला है किशोर कुमार जी का। और जब ये थे तो देखिए ये जो गौरी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड देखिए अभी हम है, नज़ारा देख के आप लोग को पता चल गया होगा, फिलहाल अभी हम है मुंबई के जुहू बीच पे और अभी शाम के बज रहे हैं 4। तो आज आप लोग को घर दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के मतलब बहुत पुराने एक्टर गायक। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी की। आज उनका हम बंगलो आप लोग को दिखाने वाले हैं, उनके बारे में बताएंगे और क्या है उनकी जीवनी आपको सब कुछ बताएंगे। और उसके बंगलो जो है ना किशोर कुमार जी के बंगलो में अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले विराट कोहली सर का यहाँ पे मतलब एक होटल चालू हुआ है। चलिए आप लोग को उनका होटल भी दिखाते हैं, मतलब उसी बंगले में ही होटल है विराट कोहली सर का। चलिए हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ और आपको थोड़ा जुहू बीच का नज़ारा दिखाते हैं। शाम तक बहुत ही ज़बरदस्त लहर है, बहुत ही ज़बरदस्त लहर, देखिए पानी की लहर कितनी ज़बरदस्त है। तो यहाँ से हम लोग निकल के चलेंगे इधर रोड पर मेन हाईवे पर और वहाँ से चलेंगे स्वर्गीय किशोर कुमार मार्ग, वहाँ से ही उनका बस बंगलो बगल में ही है। तो चलिए आप लोग को दिखा दिया नज़ारा, तो चलिए अब चलते हैं किशोर कुमार जी के बंगले के पास। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, देखिए बच्चा क्या कर रही है यहाँ बैठ के, देखिए इतना तेज धूप में खेल रही है बैठ के आराम से। तो चलिए देखिए आप लोग को यहाँ से जुहू बीच का नज़ारा थोड़ा दिखा देते हैं। अब हम निकल रहे हैं मेन रोड की ओर, चलिए। और फ्रेंड्स एक मुंबई का खासियत बताएं, देखिए ये हाईवे है वो भी हाईवे है और देखिए यहाँ पे पब्लिक को चलने के लिए कितना मस्त रास्ता बनाया गया। सामने देखिए छाँव में चलते रहिए, तो चलते रहिए सीधा आगे और आगे मिलेगा आप लोग को किशोर कुमार जी का घर। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड देखिए चलते चलते यहाँ से जब आप हम हाईवे की साइड से आएंगे, अगर आप बीच साइड से आइएगा तो यहाँ आएंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है किशोर कुमार गांगुली मार्ग। और यहाँ से जस्ट ही बिल्कुल सामने ही एक मतलब उस साइड रोड के उस साइड चलेंगे तो वहीं पर है किशोर कुमार जी का घर। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्वर्ग किशोर गांगुली मार्ग, तो चलिए इसका अंदर देखिए आइए, देखिए यहीं पे है किशोर कुमार जी का घर। तो देखिए फ्रेंड्स चलते चलते हम आ गए, देखिए यह है ना किशोर कुमार बंगलो गौरी कुंज, देखिए यह किशोर कुमार जी का घर है। और आप लोग को बोले थे ना इसी इन्हीं के बंगले में विराट कोहली सर का होटल है, मतलब ये जो खुला हुआ है, देखिए ये जो खुला हुआ है ना ये विराट कोहली सर का, देखिए ये होटल 18। अभी हम यहाँ पे आए तो बताया गया कि विराट कोहली सर का यहीं पे होटल है। तो देखिए किशोर कुमार जी के बारे में बताते हैं आप लोग को, देखिए बहुत सारी उनकी मूवी बहुत सारे गाने कितने सुपर डुपर हिट थे और उनकी मूवी आप लोग देखिए, अगर पड़ोसन देखे होंगे मूवी तो कितने ज़बरदस्त रोल किए थे उसमें एक चतुर नार करके सिंगार। तो चलिए आप लोग को इनके घर के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए कितना आलीशान बंगला है, देखिए कितना ज़बरदस्त, देखिए किशोर कुमार बंगलो गौरी कुंज। और जब इनके इतने सुपर डुपर हिट है मूवी, देखिए किशोर कुमार जी के जस्ट मतलब इन्हीं के बंगले में खुला है 18, विराट कोहली सर का यहीं पे मतलब वो है एक रेस्टोरेंट। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप लोग को आना होगा तो आइए और यहाँ से कुछ जो भी खाना होगा खाइए अंदर जाके। देखिए ये है ना 18, ये विराट कोहली सर के मतलब होटल है ये किशोर कुमार जी का। चलिए इनके बारे में कुछ बताते हैं आप लोगों को। और इनके अगल बगल का देखिए वातावरण कितना स्वच्छ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और कहा जाता है जब विराट कोहली यहाँ पर आते हैं तो जब ये मुंबई में आते हैं, इधर आए हुए थे जब मुंबई में मैच था तो वो आए हुए थे यहाँ पे। तो देखिए इनके घर का थोड़ा व्यू दिखा है अंदर का, देखिए नज़ारा कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, बहुत ही आलीशान बंगला है किशोर कुमार जी का। और जब ये थे तो देखिए ये जो गौरी कुंज लिखा हुआ है ये इनकी वाइफ का नाम है। और देखिए बिल्कुल पूरा CCTV कैमरा बिल्कुल पूरा बन लैस है पूरे CCTV कैमरे से। और ये गेट बंद है, देखिए इसके अंदर सिक्योरिटी भैया हैं, उनसे पूछ लिए, बोला हाँ वीडियो बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए किशोर कुमार जी के बारे में कुछ बताते हैं आप लोग को, फिर आप लोग बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें किशोर कुमार सर का पूरा नाम आभास कुमार गांगुली, इनका जन्म 4 अगस्त 1929 ईस्वी को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 को महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर में हुआ था। और ये पेशे से एक्टर गायक अभिनेता सभी थे। और इनकी जीवन साथी की बात करें तो रुमा गुहा, मधुबाला, योगिता बाली, लीना चंदवाकर और इनके बच्चे अमित कुमार, सुमित कुमार और इनकी संबंधी में गांगुली परिवार है। और इनके फिल्म की बात करें तो पड़ोसन, शराबी, शोले, याराना, कटी पतंग, सिलसिला,
अंधा कानून, आपकी कसम, डॉन, ऐसी बहुत सारी मूवी है, सागर, डिस्को डांसर जैसी मूवी में इन्होंने अपना योगदान दिया और मूवी को सुपर डुपर हिट किया। और इनके गाने का बोल अगर आप लोग को बताएं तो इनके गाने में सबसे पहले पे दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए, मेरे महबूब कयामत होगी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो यह शाम मस्तानी, आने वाला पल तुम साथ हो शायद मेरी, जिसका मुझे था इंतजार, दिलबर मेरे कब तक तुझे, ऐसे बहुत सारी सुपर डुपर हिट गाने किशोर कुमार जी की जो कि ब्लॉकबस्टर पर सुपर डुपर हिट हुई थी और अभी भी इस गाने को लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। और आप लोग को बता दें इन्हीं के बंगले में, ये बगल वाला जो आप लोग को दिख रहा है, इन्हीं में विराट कोहली सर ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है जो कि 18 नाम से है। तो आप लोगों को बता दें किशोर कुमार जी अपने जीवन में पूरे 4 शादियां किए थे और इनका जो है पहला फिल्म 1946 ईस्वी में शिकारी आया था जो कि उन्होंने मात्र अपने उम्र के 17 साल के उम्र में ही अभिनय किया। और गायक के रूप में उन्होंने 1948 में फिल्म जिद्दी की एक गीत गाया था जिसमें इन्होंने सुपर डुपर हिट गाया था। कितना बिल्कुल आलीशान बंगला है ये, बहुत ही जबरदस्त, और गेट देखिए कितना जबरदस्त, अभी भी बहुत पुराना गेट, नहीं ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, बिल्कुल नया ही है। तो अगर विराट कोहली सर का आपको आना है रेस्टोरेंट तो किशोर कुमार जी के बगल में आइए, ये 18 है, उन्हीं का रेस्टोरेंट है। चलिए इनका बिल्कुल बगल में ही है, देखिए हाईवे है बगल में और देखिए ये पास में ही है इनका, तो आइए आप लोग जिनको देखना हो किशोर कुमार जी का घर, तो जुहू चौपाटी से निकलिए, लगभग 500 मीटर की दूरी पे इन्हीं का घर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग, आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो देखिए आप लोग को दिखा दिए 70-80-90 दशक के मशहूर गायक, मशहूर एक्टर किशोर कुमार जी का घर। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और हमारे गांव से देख रहे हो तो दिल से सपोर्ट करो, भागलपुर से देख रहे हो तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, और हमारे नीचे इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है उसे जरूर फॉलो कीजिएगा, और किशोर कुमार जी के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए, और हो सके फ्रेंड तो हम पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए मिलते फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।